नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज प्रश्नों की संख्या आपकी 60 रखी गई है, जो कि आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक और काल संबंधी आपके यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है आज। जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जितने भी वीडियो हम बनाते हैं आप लोग क्रम से देखते चलिए, आपकी हिंदी में कभी भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला पॉइंट दिया है या पहला प्रश्न दिया है कि वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है। इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। समझने वाले प्रश्न होंगे आपको, और याद रखिएगा ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, व्याकरण। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है। इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, काफ़ी प्यारा प्रश्न है और यहाँ पर आपके जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट यहाँ पर बी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ था। पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरी प्रचारी सभा से इनका प्रकाशन हुआ था हिंदी व्याकरण का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृत है। हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है, फोर का जवाब यहाँ पर पूछा है और हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है। 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन डी जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता पद तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से पढ़िए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब वह पद रहता है, ठीक है, पद तब तक शब्द रहता है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, और जब वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग पद कहते हैं। 5 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहते हैं, 6 नंबर। तो विभक्ति युक्त शब्द को कहते हैं पद कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रत्यय विशेष को जो प्रतिपादित, कह सकते हैं शब्द या धातु में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों अर्थों को स्पष्ट करने में सहायक होते उसे क्या कहते हैं। उस प्रत्यय विशेषण को जो प्रतिपादित में संलग्न होकर वाक्य में व्याकरणिक संबंधों को स्पष्ट करते हैं या सहायक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विभक्ति बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विभक्ति। सभी नए प्रश्न हैं। चलिए आपके संज्ञा से पॉइंट कुछ पूछे गए हैं कि जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे कहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं, ठीक है। देखिए वस्तु अस्तित्व भी होती है, कल्पना भी होती है। 8 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि, ये जो हैं ये आपके किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए राम एक है, कृष्ण एक है, बुद्ध एक है, कलकत्ता एक है, कामायनी एक है, और जब कोई एक वस्तु होती है उसे हम लोग पर्सनल अर्थात कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब वह कौन सी संज्ञा हो जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति का या एक से अधिक का बोध कराती है उस संज्ञा कहते हैं,
जातिवाचक, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में किसको रखेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे आपके डॉक्टर को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा कौन सी आपकी यहाँ पर संज्ञा है, तो जवाब आपका 13 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हरियाली। याद रखिए हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द जो आते हैं वो आपके आते हैं किसमें, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपकी भाववाचक संज्ञा में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। सबका जवाब सही आना चाहिए और जो प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं वो गलती मत करिएगा प्लीज, क्योंकि अगर जो प्रश्न आपने पढ़ा है और वो गलती कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, नाप तौल जहाँ होता है वो द्रव्यवाचक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, और 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही है, आपका सी नंबर सोना। याद रखिएगा सोना द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है और द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों प्रकार की चीज़ें होती हैं वो सभी इसी में आ जाती हैं, जो कि नाप तौल या द्रव्य संज्ञा में, वो संज्ञा मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, देख लीजिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध और क्रुद्ध, और 17 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोध यहाँ पर क्या है आपकी, ये संज्ञा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है लिंग से संबंधित कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला जो आपका शब्द है वो आपका कौन सा है। 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर पूछा गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर आपका बनावट, ठीक है, बनावट जो शब्द है आपका हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है, ठीक है। और हमने आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बताया था, ठीक है, जैसे कि हिमालय कैसा है, आप कैसी तो नहीं बोलते हैं ना, मतलब कोई भी शब्द में कैसा और कैसी से आंसर निकाल सकती हैं, अगर उसका जवाब कैसी से निकलता है तो आपका स्त्रीलिंग होगा और कैसा से जवाब निकलता है तो आपका पुल्लिंग होगा। यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग जो आपका है देख सकते हैं बनावट, ठीक है, बनावट कैसी है ये बोला जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 19 नंबर, और 19 का जवाब यहाँ पर, जवाब यहाँ पर 19 को ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए सबका जवाब आपको ही देना है, यहाँ पर फटाफट आंसर देना है और साथ में आंसर देना है। तो जिस शब्द मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है, 20 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी, जो ऋतु है ये आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं वचन, याद रखिए क्या बोलते हैं उसे, वचन बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला आपका शब्द पूछा गया यहाँ पर, चलिए 22 का ऑप्शन राइट, और 22 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा प्राण। याद रखिए प्राण हमेशा आपके बहुवचन में होता है, ठीक है, प्राण, जैसे प्राण निकल गए है ना, तो इस प्रकार से इसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द में वचन का सही प्रयोग हुआ है, वचन का सही प्रयोग हुआ है आपके किस में। चलिए 23 का जवाब देना है आपको, और 23 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर मेरे होश उड़ गए, देखिए सी नंबर आपका जवाब है, बिल्कुल सही है, मेरे होश उड़ गए बिल्कुल सही है। चलिए कारक से पढ़ना है,
कि कर्ता कारक की विभक्ति है कर्ता कारक, और कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो आपकी होती है प्रथमा कर्ता ने, ठीक है, वेरी गुड, ये नंबर आपका हो जाएगा प्रथमा, ठीक है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है, कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है प्रथमा कर्ता ने होता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, तो कर्म कारक में होता है आपका द्वितीया, ठीक है, द्वितीया कर्म को, ठीक है। और यहाँ पर 27 नंबर है कि कर्म कारक विभक्ति चिन्ह जो बोध होता है वो क्या होता है, तो कर्म कारक में क्या होता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, क्या होता है भाई, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संप्रदान कारक का विभक्ति बोध, संप्रदान कारक क्या होता है आपकी पहचान, तो संप्रदान को के लिए होता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, को के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने रावण से बाली को मारा, इस वाक्य में श्री राम ने बाण से बाली को मारा, यहाँ पर है श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से जो आपका है ये कौन सा कारक है, बाण से, तो बाण से ये आपका है देखो करण से, ठीक है, करण से अर्थात बाण से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है, चपरासी को शब्द यहाँ पर लगा है चपरासी को, और आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया, इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है, विद्यार्थी को, चलिए विद्यार्थी को यहाँ पर आपका जो कारक हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया, जब देना शब्द आपका होता है और देने में एक को शब्द प्रयोग होता है उसी में हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे किसी को कंबल दिया, ये दिया, वो दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान से होता है और यहाँ पर आपका अपादान कौन सा प्रयोग होगा, चलिए 32 नंबर, हिरण शेर से डरता है, रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया, तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर सही जवाब देना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर देखिए हिरण शेर से डरता है, शेर से डरता है अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि डरता है, इसका मतलब वो दूर रहता है ना, डरता है मतलब दूर, यहाँ पर बारीकी समझना पड़ेगा कि हिरण शेर से डरता है, कभी उसके पास नहीं जाएगा, अलग ही रहेगा, अगर देख लेगा भी भग जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, सटीक आंसर आपका ए आपका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है, आपका पत्र मिला कौन सा कारक है, 33, तो आपका पत्र मतलब यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है अर्थात यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कमल फूलों में सुंदरतम है वाक्य में कौन सा कारक है, कमल फूलों में सुंदरतम है, कमल फूलों में सुंदरतम है, यहाँ पर आपका जो कारक है वो आपका हो जाएगा में कर अधिकरण में पे पर, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए अब आपके प्रश्न दिए हैं सर्वनाम से संबंधित कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो 35 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लिखा रखा जाता है किसको, तो यहाँ पर आपका 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर राम, यह देखिए आपका जो सी नंबर है 36 का सी, हम शब्द ये पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला है, मैं अपने आप काम कर लूँगा मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप शब्द जो आपका है ये आपका कैसा आपका सर्वनाम है, और आप शब्द होता है किसके लिए, आप शब्द होता है निजवाचक के लिए, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा निजवाचक। भाई सभी लोग वीडियो लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है, शेयर भी करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक, वेरी गुड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन शब्द आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय या अनिश्चित वाचक सर्वनाम है,
और अनिश्चित में प्रयोग करते हैं किसको, तो आपके कुछ है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, देख लीजिए किस में हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये तो सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो भाई मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये होना चाहिए बी नंबर। आपके यहाँ पर त्रुटि है बी का, 40 का ऑप्शन बी, ये त्रुटिपूर्ण आपका है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विशेषण संबंधी क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, यहाँ पर 41 नंबर। और यहाँ पर आपका देखिए विशेषण नम्रता है, मिठास है, शीतलता, यहाँ पर सच्चा, सच्चा शब्द आपका एक गुण के अंतर्गत आता है, जो कि आपका डी नंबर सच्चा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है, विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी, और विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो विद्यार्थी यहाँ पर आपका बनेगा विशेष, ठीक है, विद्यार्थी होगा विशेष और अच्छा होगा आपका गुण, अर्थात यहाँ पर विशेषण। इस प्रकार से विद्यार्थी जो होगा वह विशेष हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण पूछा गया आपसे, 43 नंबर। और 43 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका है बलवान, ठीक है, जिसका जवाब ये है, तो आपका हो जाएगा गुणवाचक के अंतर्गत आपका आएगा बलवान, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि नहीं है, वो आपका कौन सा है, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है वो आपका कौन सा वाक्य है, 44 नंबर। तो उसमें एक गोपनीय रहस्य है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है, ज्वर होती है, ज्वार होता है, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर त्रुटि आपके डी में थोड़ा आपको यहाँ पर कह सकती है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा सही है, वहाँ ज्वर की सर्वोत्तम, या देखो कहीं से खूब ठंडा, वहाँ कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, देखिए ये भी थोड़ी सी आपको थोड़ा लगा है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, देखो यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगा हुआ है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, उसमें गोपनीय रहस्य है, कुछ भी हो सकता है, एक जरूरी लगाना थी नहीं था, यहाँ पर डी नंबर आप कह सकते हैं, 3 आपके थोड़ा थोड़ा आपकी त्रुटि है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका है 45 नंबर। और यहाँ पर 45 का जवाब हो जाएगा आपका, देखिए अनिश्चित मतलब आपका बी नंबर, थोड़ा थोड़ा शब्द आपका अनिश्चित परिमाण में आता है, बी नंबर। अब आपके प्रश्न दिए हैं क्रिया से संबंधित कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, 46 नंबर। और 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक मतलब होता है कि जो क्रिया हो वो कर्म के साथ पूरी हो, और अगर क्रिया कर्म के साथ पूरी होती है तो सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर 47 नंबर का जवाब आपका जवाब यहाँ पर बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका है, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, तो यहाँ पर कह सकते हैं डी नंबर, यहाँ पर सकर्मक हुआ है, ठीक है। हाँ यहाँ पर कह सकते हैं बालक पढ़ता है, देखा जाए तो इसमें भी आपका यहाँ पर सकर्मक हो सकता है, किस प्रकार से, कुछ तो पढ़ता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, तो इस प्रकार से इसमें भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसमें जब कोई चार प्रश्नों में बिल्कुल ओपनली आपको आंसर दिया हो तो उसको आप सही करेंगे, जो आपका अदृश्य हो उसको नहीं सही करेंगे, लेकिन सकर्मक और कर्मक में अदृश्य और सदृश दोनों ही देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार आपको इसको सही कर सकते थे और सही करेंगे भी, वैसे अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम लिख इसको सही भी कर सकते थे, क्योंकि बालक पढ़ता है अर्थात कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्म छुपा हुआ है, किताब पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता होगा ना, तो इसको भी सही कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जवाब आपको डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जवाब है 48 नंबर,
देखिए रोना क्या रोता है, हमने बताया था ट्रिक होती है क्या, किसको, क्या रोता है, क्या हंसता है, क्या रोता है, आंसर कोई निकला नहीं निकला ना, क्या लिखता है, कुछ तो लिख रहा होगा ना, आंसर आपका मिल गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन क्रियाओं से कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन क्रियाओं से कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपके अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक, अर्थात कह सकते कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता पर ही फोकस हो जाता है, वो आपका अकर्मक हो जाएगा। राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है, तो राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इसका मतलब है कि ये क्रिया दूसरे के द्वारा प्रेरणा द्वारा कराई जा रही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणा है, हमने बताया था प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने माँ से कहा खाना बनाओ, ठीक है, मैंने माँ से कहा चावल बनाओ, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। मैंने माँ से कहा कि माँ चावल बनवाना, तो माँ किसी दूसरे से बनवाएगी, वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है, खाना खाकर सो गया, इसमें क्रिया का रूप क्या है। तो देखो खाना खा चुका है, और खाना खा चुका है अर्थात क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, लिखा नहीं जाता, यहाँ पर वाच्य पूछा है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, भाववाच्य क्रिया है। ठीक है, अगला है, मयंक चाय लाओ, इस वाक्य में क्रिया का रूप है, मयंक चाय लाओ, तो यहाँ पर आज्ञा की जा रही है अर्थात आज्ञार्थ हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है, संदेहार्थक रूप में जो प्रयोग हुआ है, संदेह होना चाहिए, वो कहाँ पर आपका है, सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर पढ़ा होगा अर्थात जरूरी नहीं है पढ़ा होगा, अर्थात संदेह पूर्ण कर रहे हैं, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, अनुकरणात्मक नहीं है, 55 नंबर। तो देखो हिन से हिनहिनाना, मिन मिमियाना फड़फड़ाना, तो देखो हिनहिनाना मिमियाना फड़फड़ाना ये है, लेकिन झूठ लाना, झूठ से झूठ लाना ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बी नंबर आपका झूठ लाना, ये आपका अनुकरणात्मक है। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 56 नंबर, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, वेरी गुड। अगला है, मैं खाना खा चुका हूँ, वाक्य में कौन सा भूत है, मैं खाना खा चुका हूँ, वाक्य में कौन सा भूत है, तो यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ, खाना प्रिया मतलब कह सकते हैं कि खा चुका है, संदिग्ध नहीं होगा, देखो सामान्य भी नहीं है, संदिग्ध नहीं, अपूर्ण भी नहीं है, यहाँ पर आसन्न है, अर्थात जब क्रिया तुरंत प्रयोग होती है, जैसे खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब क्रिया जब तुरंत पूरी होती है, आसन्न मतलब होता है पास। ठीक है, तो जवाब आपका बी हो जाएगा, आसन्न। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के पूछा है, और वर्तमान काल के आपके याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, मुख्यतः देखे जाए तो आपके सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चे 6 बताएंगे, बल्कि गलत है, 6 भेद आपके भूतकाल के होते हैं, 3 वर्तमान काल के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अगला, वह पढ़ रहा है वाक्य में है, वह पढ़ रहा है, रहा है, रहा शब्द है, तो यहाँ पर आपका देखिए वह पढ़ रहा है, तो संदिग्ध तो होगा नहीं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पढ़ रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संभव है कि वह कल आ जाएगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, संभव है कि वह कल आ जाएगा, 60 नंबर, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी 60 का। देखिए वह कल आ जाएगा अर्थात यहाँ पर संभव्य भविष्य हो जाएगा। ठीक है, संभव्य भविष्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। तो इस प्रकार से 60 प्रश्न देखा है, और इसका आगे की जो प्रश्न होंगे वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। डेली आपको यहाँ पर 8:30 बजे लाइव टेस्ट दिया जाता है, तो 8:30 बजे से आप लोग आ सकते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, जितने लोग नए थे सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा,
और साथ में वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।